हेलो एवरीवन, आज है 16 सितंबर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 16 सितंबर से करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम जो 15 सितंबर के करंट अफेयर्स पढ़े थे उसके सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का सबसे पहले प्रश्न कौन था कि किस देश में आयोजित युद्ध अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने तीनों ने हिस्सा लिया था। तो ये मिस्र में, कहाँ? मिस्र में थे। इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों ने हिस्सा लिया था, कहाँ? मिस्र में। किस राज्य में खतरनाक निफाह वायरस के कारण अलर्ट जारी हुआ है? तो ये केरल में, कहाँ? केरल में हुआ है। भारत के ऐसे पहले स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या है जिसने अंतरिक्ष से पहली सेल्फी ली है? तो आदित्य L1। कौन? आदित्य L1। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। इसे विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। टाटा स्टील लिमिटेड के वैश्विक MD और CEO के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये TV नरेंद्र को। किसे? TV नरेंद्र को पुनः नियुक्त किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा भविष्य के लिए पर्यटन पर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो ये पर्यटन मंत्री के द्वारा। नई दिल्ली में आयोजित पहली बैठक संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कौन? जो कि 15 क्रम के हमारे राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये किरण जॉर्ज ने जीता है। कौन? किरण जॉर्ज। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2023 टाइम्स ऑफ नेक्स्ट की सूची में शामिल किया गया है, उसके नाम क्या है? तो हरमनप्रीत कौर नाम है। क्या? हरमनप्रीत कौर। विदेश मंत्रालय ने किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गोपाल बागले को नियुक्त किया। किसे? गोपाल बागले को। हाल ही में प्रसिद्ध डॉली भेड़ बनाने वाले किस विज्ञानी को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इनका नाम था यान बिलमुट। ठीक है, ये कल का जो प्रश्न था हमने रिवीजन कर लिया। तो आज का हम सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर रोज़ डेली करंट अफेयर्स आपको कराता हूँ। तो सबसे पहले आज का प्रश्न है कि हाल ही में FIH ने किस देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेज़बानी के अधिकार वापस ली है? तो ये पाकिस्तान के साथ। कहने का मतलब है कि दो हज़ार चौबीस में जो पाकिस्तान FIH जनवरी में यह घोषित करने वाला था, FIH पाकिस्तान में होने वाला था, तो FIH ने इसे वापस ले लिया है। FIH का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो ये पाकिस्तान से वापस ले लिया है। ठीक है, पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीज़ा नीति का अनावरण किया। पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन के प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। जो पाकिस्तान और भारत जो है बीच के कौन सी है? तो रेड क्लिफ के द्वारा पाकिस्तान और भारत जो है ये अलग होते हैं। रेड क्लिफ रेखा के द्वारा ये दोनों अलग होते हैं। पाकिस्तान जो इसकी राजधानी कहाँ है? तो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया है। और राष्ट्रपति के नाम है तो आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के नाम है तो अनवर उल हक। क्या नाम है? अनवर उल हक। तो आइए FIH के बारे में समझ लेते हैं। तो FIH का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जबकि इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुआ। और मुख्यालय इसका कहाँ है? तो लुजन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष क्या है? तो तैयब इकराम है। तो FIH के अध्यक्ष का नाम क्या है? तैयब इकराम। पाकिस्तान जो ये मैप में यहाँ पे है, ठीक है, जो कि एशिया महाद्वीप में आता है। आइए ऑप्शन के थ्रू समझते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका जो एशिया कप हो रहा है, एशिया कप 2023 के जो हो रहा है, ये दोनों मिलकर होस्ट कर रहे हैं। भारत जो है आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 जो कि ये भारत घोषित कर रहा है, कहाँ?
उड़ीसा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। फ्रांस जो है, फ्रांस 2024 में समर ओलंपिक जो होने वाला है, समर ओलंपिक जो होगा ये फ्रांस यहाँ पे घोषित करेगा फ्रांस। तो ठीक है, ऑप्शन का थ्रू हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने पांचवी बार राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है महाराष्ट्र ने। कौन? महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन? महाराष्ट्र ने जीता है। महाराष्ट्र ने पांचवी राष्ट्रीय व्हील रग्बी चैंपियनशिप 2023 में कर्नाटक पर शानदार जीत हासिल करके चैंपियनशिप का खिताब जीता है। यह चैंपियनशिप जो 10 सितंबर से 11 सितंबर 2023 तक पुणे के बल्लेवाड़ी में हुई थी। महाराष्ट्र के करंट अफेयर्स को समझते हैं तो भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना ये महाराष्ट्र में हुआ है। लोक आयुक्त विधेयक लाने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में टॉप पर रहा है ये महाराष्ट्र। एप्पल का भारत में पहला स्टोर BKS मुंबई में खोला गया है। G20 की तर्ज पर वुमेन 20 की बैठक संभाजी नगर में हुआ है। ऑप्शन के थ्रू समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन की गोवा, तो गोवा जो इस साल सैंतीसवें राष्ट्रीय खेल है तो ये गोवा घोषित करेगा। कौन? गोवा। इससे पहले गुजरात जो था, गुजरात ये छत्तीसवें राष्ट्रीय खेल को इन्होंने प्रदर्शित किया था। उत्तर प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम का ये करेगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है जिनका नाम है मनोज सिन्हा, इन्होंने उद्घाटन किया है। क्या? तो इनका नाम है मनोज सिन्हा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरमय कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगस वैली महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस महोत्सव का प्राथमिक उद्देश्य बंगस घाटी के भीतर ग्रामीण और साहसिक पर्यटन के अवसरों पर प्रकाश डालना है। यह त्यौहार स्थानीय कारीगरों को अपनी पारंपरिक कला और शिल्प प्रदर्शित करने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करता है, जो स्वदेशी विरासत के संरक्षण और प्रसार में योगदान देता है। जम्मू कश्मीर की कुछ करंट अफेयर समझते हैं। भारत की पहली कैनेबिस परियोजना ये जम्मू कश्मीर है। भद्रवाह राजमार्ग कोची हाईटेक मिला है जो कि जम्मू कश्मीर में। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो कि बनने जा रहा है। कश्मीर में स्टैचू ऑफ फिश का उद्घाटन हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला शहर जो कि जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है। हाल ही में बांग्लादेश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में बांग्लादेश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये फ्रांस के साथ। किसे? फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने इन दिनों बांग्लादेश के दौर पर है। इस दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और इमैनुअल मैक्रों ने द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के दौरान बांग्लादेश ने फ्रांस के 10 एयरबस विमानों की खरीद के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा दोनों देशों में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रणाली के लिए आवश्यक पत्र का आदान प्रदान किया है। फ्रांस जो है यहाँ यूरोप महाद्वीप में आता है। इसकी राजधानी पेरिस है। पेरिस में किसका हेडक्वार्टर? यूनेस्को इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और मुद्रा क्या है? तो यूरो है। और राष्ट्रपति के नाम के लिए इमैनुअल मैक्रो नाम है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति के नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रो। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार MotoGP रेस का आयोजन किया जाएगा? तो ये ग्रेटर नोएडा में। भारत में पहली बार MotoGP रेस का आगाज इसी महीने के 22 सितंबर से होने जा रहा है, जो 24 सितंबर 2023 तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्धा इंटरनेशनल फार्मूला 1 सर्किट में इसका आयोजन होगा। ठीक है,
छठा नंबर सवाल है कि डोपिंग मामले में रोमानिया के पूर्व नंबर एक टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये 4 वर्ष को लगाया, कितना? 4 वर्ष, ठीक है। तो डोपिंग मामले में रोमानिया के पूर्व नंबर एक टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 4 वर्ष का लगाया गया है, ठीक है। सातवां नंबर प्रश्न, भारत और किस देश के बीच इंफ्रा फाइनेंस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो ये ब्रिटेन के साथ, किसे? ब्रिटेन के साथ यह किया गया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता EFD के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज के शुभारंभ की घोषणा की है। यह सहयोगात्मक पहली बार भारत और प्रयाग बुनियादी ढांचे के निवेश के अवसरों को खोलने के लिए मिलकर काम करने के लिए दोनों देशों को नियंत्रण प्रतिबद्धता को दर्शाता है। UK जो है ये यूरोप महाद्वीप में आता है और इसकी राजधानी क्या है? तो लंदन है। UK की राजधानी क्या है? तो लंदन, जो कि टेम्स नदी किनारे बसा है। टेम्स नदी के किनारे बसा है ये लंदन। मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग है। और लंदन के जो प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो ये भारतीय मूल के, जिनका नाम है ऋषि सुनक, जो कि एक भारतीय मूल के हैं, ठीक है। राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस यह 15 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। हर साल 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। यह भारत के महानतम इंजीनियरिंग सर मोज गुंडम विश्वेश्वरैया को जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस 2023 का विषय स्थायी भविष्य के लिए इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग दिवस 2023 15 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को, और 10 सितंबर को विश्व 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को, ठीक है। प्रश्न है 9वां नंबर कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने बताया था कि विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जबकि इस साल के इसका थीम क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है, 10 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 सितंबर को मनाया जाता है आत्महत्या रोकथाम दिवस, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ने किस सेना को पहला एयरक्राफ्ट C-295 सौंपा है? तो ये भारतीय वायुसेना को, किसे? भारतीय वायुसेना को सौंपा है, ठीक है। भारतीय वायुसेना IAF को देश का पहला C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिल गया है। वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने 13 सितंबर को स्पेन में एक समारोह में इसे स्वीकार किया है। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के इस विमान का निर्माण एयरबस ने किया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज का ये प्रश्न था 10 प्रश्न, जो कि हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।